25 दिसंबर 2021 एक ऐसा दिन था जिस दिन एक ऐसे टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। इस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब तक का सबसे बड़ा और पावरफुल टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप था जो स्पेस को एक्सप्लोर करने में हमारी मदद करता था। इस टेलीस्कोप का लॉन्च 1990 में नासा द्वारा किया गया था। यह टेलीस्कोप अर्थ से 547 किलोमीटर्स की दूरी पर है जो अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहा है। इस टेलीस्कोप की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी वेवलेंथ बहुत कम है जिसके कारण दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली कैप्चर ही नहीं कर पाता है। जो भी दूर में जो प्लैनेट्स है या फिर स्टार्स है उसको अच्छे से कैप्चर ही नहीं कर पाता है और ना ही उसका एक्सप्लोर कर पाता है। लेकिन अब जो टेलीस्कोप का लॉन्च नासा ने किया है, इस टेलीस्कोप की वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है जिसके कारण यह दूर के ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स या फिर किसी भी स्टार्स को अच्छे से कैप्चर कर सकता है और साथ ही साथ उसका एक्सप्लोर भी कर सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का डेवलप यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर किया है और इसका लॉन्च एरियन 5 रॉकेट के थ्रू किया गया। आखिर ऐसा क्या वजह है जिस वजह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हाई एडवांस्ड माना जाता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से। इस टेलीस्कोप की सबसे पहला फीचर्स है वो है वेवलेंथ। स्पेस को एक्सप्लोर करने में टेलीस्कोप में वेवलेंथ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हबल टेलीस्कोप में वेवलेंथ काफ़ी कम था जिसके कारण वो दूर के ऑब्जेक्ट्स या फिर प्लैनेट को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता था और ना ही उसका एक्सप्लोर कर पाता था। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप की वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है जिसके कारण यह दूर के ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट या फिर किसी भी स्टार्स को कैप्चर कर सकता है और उसे एक्सप्लोर भी कर सकता है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो उतना ही सेंसिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी कैप्चर कर सकता है, यानी कि हमारे जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत दूर के प्लैनेट को भी आसानी से कैप्चर कर सकता है। इसका दूसरा फीचर है वह है वर्किंग एज अ टाइम मशीन। टाइम मशीन हर किसी के मन की अवधारणा रहा है। लोग बहुत पहले से ही टाइम मशीन का सपना देखते आ रहे हैं। लोग हमेशा से भविष्य और पास्ट में जाने का प्रयास करते रहे हैं पर हमेशा असफल रहे हैं। हालांकि टाइम मशीन अभी बस एक कल्पना है, पर भविष्य में क्या होता है ये तो कोई नहीं जानता। सबसे महान साइंटिस्ट आइंस्टीन के अनुसार हम समय में आगे या पीछे तभी जा सकते हैं जब स्पीड में ज़्यादा या कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि समय और स्पीड एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम सबसे फेमस थ्योरी द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार देखें तो अगर कोई चीज़ लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो उसके लिए समय एक तरह से रुक जाएगा, यानी कि बहुत स्लो हो जाएगा। अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम एक सेपरेट वीडियोस में टाइम के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप कोई टाइम ट्रैवल नहीं करेगा। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगी जिसमें ये बताया गया होगा कि हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो टाइम ट्रैवल करेगा, पर ये सब गलत है क्योंकि हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप कोई टाइम ट्रैवल नहीं करेगा। दरअसल जब हमारी ब्रह्मांड की रचना हुई थी तो उस समय एक्सप्लोजन हुआ था। एक्सप्लोजन होने की वजह से कई सारे रेडिएशंस निकले थे और वो रेडिएशंस अभी तक ब्रह्मांड में इधर उधर भटक रहे होंगे, तो हमारा टेलीस्कोप क्या करेगा, उसी रेडिएशन को कैप्चर कर लेगा। और जब वो रेडिएशन को कैप्चर करेगा तो साइंटिस्ट उस रेडिएशन को स्टडी करेंगे कि ये रेडिएशन आखिर आया कहाँ से और इसकी उत्पन्न कैसे हुई। आप सोच सकते हो कि अगर साइंटिस्ट उस रेडिएशन को स्टडी करते हैं तो साइंटिस्ट उस क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, और हो सकता है कि उसका आंसर मिल भी जाए, पर इतना आसान भी नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि हमारा जो ये टेलीस्कोप है वो कोई टाइम ट्रैवल नहीं करेगा, बस यह उस रेडिएशन को कैप्चर करेगा और साइंटिस्ट इस रेडिएशन को स्टडी करके ये पता लगाएंगे कि ये रेडिएशन कितना पुराना है और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है और कैसे उत्पन्न हुआ है। तो इस तरह से हम इसे एज अ टाइम मशीन के रूप में देख सकते हैं, पर यह कोई टाइम ट्रैवल नहीं करेगा। इस टेलीस्कोप का तीसरा फीचर्स है डिटेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते।
इंफ्रारेड रेडिएशंस को आप इंफ्रारेड लाइट भी कह सकते हो। हालांकि हम किसी भी लाइट को नहीं देख सकते क्योंकि लाइट एक तरह का फोटोन है और उस फोटोन के बीच का गैपिंग बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा गैपिंग होने की वजह से हम उस फोटोन को नहीं देख सकते, लेकिन जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और हम ये बता सकते हैं कि वहाँ पे लाइट है। लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन के केस में ऐसा नहीं होता है। इंफ्रारेड लाइट के केस में क्या होता है कि वहाँ से लाइट निकलती है पर आपको नहीं दिखेगा कि वहाँ पे लाइट है। तो इस लाइट को कैप्चर जेम्स वेब टेलीस्कोप कर सकता है। हम उस लाइट को केवल फील कर सकते हैं, उसे हम हीट के रूप में फील कर सकते हैं लेकिन उसे हम देख नहीं सकते। लेकिन जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर कर सकता है, उसे देख सकता है। इसीलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को एल्टो पॉइंट पे भेजा गया है। एल्टो पॉइंट क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। इस टेलीस्कोप का चौथा फीचर्स है ऑर्बिट। जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारे पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसे एल्टो कहते हैं। इस एल्टो को लैग्रेंजियन पॉइंट भी कहते हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट एक तरह का पॉइंट होता है स्पेस में जहाँ पर दो बड़े प्लैनेट्स या फिर स्टार्स के ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होने की वजह से वहाँ पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स डेवलप होता है। इसी तरह हमारे स्पेस में 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जेम्स वेब टेलीस्कोप इसी लैग्रेंजियन पॉइंट एल्टो के चारों ओर चक्कर लगाएगा और पृथ्वी के साथ सूर्य का भी चक्कर लगाएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप इस एल्टो पॉइंट का चक्कर इसलिए लगाएगा क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स डेवलप होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स डेवलप होने की वजह से ही जेम्स वेब टेलीस्कोप एल्टो का चक्कर लगाएगा और यह हमारी पृथ्वी को फॉलो करते हुए सूर्य का चक्कर लगाएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 पर इसलिए भेजा गया है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में दिखता है। इस वजह से यहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करने में आसानी होगी। हालांकि हबल टेलीस्कोप पृथ्वी से मात्र 547 किलोमीटर की दूरी पर ही है जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत दूर से हमारे पृथ्वी को फॉलो करेगा और सूर्य का चक्कर लगाएगा। इस टेलीस्कोप का पांचवा फीचर है वो है डिस्कवरी ऑफ लाइफ। जिस तरह से हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप के फीचर्स के बारे में देखा है उस तरह से तो यही लगता है कि यह टेलीस्कोप ऐसे प्लैनेट को खोजने में मदद करेगा जिस पर लाइफ संभव हो सके। जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम के अलावा दूसरे प्लैनेट को एक्सप्लोर करने में भी मदद करेगा। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं सारे प्लैनेट को एक्सप्लोर करेगा जिससे हमें ऐसे प्लैनेट को खोजने में आसानी होगी जिस पर जीवन संभव हो सके। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप पुराने से पुराने किरण को भी डिटेक्ट कर लेगा जिससे हमें अपने गैलेक्सी के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। इस टेलीस्कोप के बारे में इतने सारे फीचर्स हैं इसलिए इसे खास माना जाता है। आई होप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।